नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी छात्र जो अब तक आंदोलन कर रहे थे उनके लिए जो है एक बड़ी खबर सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि अब एनटीपीसी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। बता दें कि आरआरबी और एनटीपीसी परीक्षा को लेकर अब आंदोलन कर रहे छात्रों की बड़ी जीत सामने आई है। रेल मंत्रालय ने छात्रों की सभी बड़ी मांगों को मान लिया है। रेलवे ने इन परीक्षाओं को लेकर कमेटी बनाई है। बताया जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही छात्रों की मांगों को औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इधर बीजेपी ने मांग कर दिया है कि आंदोलन करने वाले छात्रों पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। बता दें कि बिहार में छात्रों के चल रहे आंदोलन को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने छात्रों की मांग को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मेरी लंबी बातचीत हुई। उन्हें मुझसे कहा है कि एनटीपीसी परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उसे मान लिया जाएगा। ऐसे में 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि ग्रुप डी की जो 2 परीक्षा की जगह अब सिर्फ एक ही परीक्षा ली जाएगी। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि छात्रों के आंदोलन के बाद रेल मंत्रालय ने अपनी शिकायतों को सुनने के लिए कमेटी का गठन किया है। बताया जा रहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में अब केंद्र सरकार छात्रों की मांग को लगभग मान लिया है। कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि पटना जिला प्रशासन और पुलिस से यह अपील करेंगे कि छात्रों और शिक्षकों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। उन्होंने कहा कि छात्र कोई अपराधी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सब पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में आकर सड़कों पर आ गए थे। इसके लिए रेलवे बोर्ड जिम्मेवार है जिससे समय पर स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऐसे में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है लेकिन छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ खड़े हैं। आइए सुनिए सुशील कुमार मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और दूसरा ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर 1 परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसे मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की 1 परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती और ये कोई अपराधी नहीं है। ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वे छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोगों पर भरोसा रखिए और किसी के बहकावे में ना आए। जो लोग बंद का बाकी का आह्वान कर रहे हैं उनको विफल कर दीजिए और हम लोग पर भरोसा रखिए, आपकी मांगों को मनवाएंगे और वैष्णव जी ने अपनी दोनों मांगों पर अपनी सहमति प्रकट की है जो समय रहते क्रियान्वित होगी। तो धन्यवाद मित्रों, बहनों और भाइयों।